नमस्कार, तहलका न्यूज में आपका स्वागत है। स्वच्छता मिशन को मुंह चिढ़ाता सदर तहसील मऊ के ये अंदर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ये है मऊ तहसील के अंदर का प्रदृश्य। एक तरफ स्वच्छता मिशन के लिए तरह तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, करोड़ों रुपये के बजट इस पे खर्च किए जा रहे हैं। गांव से लेकर शहर तक शौचालय बनाने का अभियान चल रहा है। मगर ये देखिए मऊ सदर तहसील की ये शौचालय की बुरी स्थिति है। ये पूरी तरह से जर्जर हो चुकी शौचालय, जहां इंसान क्या जानवर तक भी इसको झांकने के लिए नहीं जाते हैं। टूटी फूटी ये शौचालय कई महीनों से जर्जर हालत में इसी तरह से पड़ा हुआ है, या यू कहें कि कई सालों से इसका प्रयोग नहीं हो रहा है। परिसर में शौचालय नहीं है, वो शौचालय जो बना हुआ है काफी जर्जर है स्थिति, इंसान भी नहीं जा सकता। ये स्थितियां तहसील दिवस क्या कहेंगे इस बारे में? वहाँ ढोले बज बजा रहे हैं, कीड़े रेंग रहे हैं, यदि कोई जाना चाहे शौच करने के लिए तो बेहोश होकर के गिर जाएगा। वहाँ RTO के पीछे पोखरा है, वहाँ सारे लोग, सारे कर्मचारी से लेकर के सारे ग्रामीण लोग जाते हैं। वहाँ भी गंदगी का अंबार बना हुआ है। स्वच्छता अभियान चला रही है, मेक इन इंडिया अभियान चला रहे बीजेपी, सिर्फ कागजों में स्वच्छता के नाम पर लूटपाट किया जा रहा है। यही कलेक्ट्रेट में जो पीछे शौचालय है, सारे दरवाजे टूटे हैं, बज बजा रहे हैं। कलेक्ट्रेट के अंदर जो शौचालय है सारे बज बजा रहे हैं। तो यह हालात है कि इस सरकार में केवल सगुफा चल रहा है। मऊ रेलवे स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन रुकी, चढ़ने के लिए दौड़ पड़े युवक, जिसे जहां मौका मिला उसी डब्बे में जा चढ़े। भीड़ इतनी थी कि अन्य आम यात्री रिजर्वेशन के बावजूद भी नहीं चढ़ सके। ये आलम सभी ट्रेनों का था। ये तस्वीरें हैं मऊ रेलवे स्टेशन के। हजारों की संख्या में पहुंचे युवक, भर्ती के लिए गोरखपुर जा रहे युवकों ने ट्रेन पर कब्जा जमा लिया। मऊ रेलवे स्टेशन पर घंटों होता रहा हंगामा, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं था। जमकर हंगामा काटते रहे युवक,